हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सर्वेइंग फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 2 चैन सर्वेइंग का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने चैन सर्वे का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था चैन सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है, और उस डेफिनेशन के अंतर्गत हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। देन आफ्टर हमने दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ चैन सर्वेइंग, यानी चैन सर्वे के सिद्धांत क्या होते हैं। 2 टॉपिक हमने ये कवर कर लिए थे और आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्वेइंग, यानी चैन सर्वेइंग में जो जो उपस्कर यूज होते हैं, जो भी उपकरण यूज होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैन के बारे में। पहला इक्विपमेंट हमारा चैन रहेगा, हिंदी में इसको जरीब बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे चैन होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चैन के बारे में सब कुछ जान लेंगे। आपको टोटल नॉलेज यहाँ मैं चैन के बारे में दूंगा, जहाँ तक कि आप जेई का एग्जाम भी देंगे तब भी चैन से बाहर क्वेश्चन इससे नहीं जाएगा, अगर कोई आता है तो, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे चैन जो होती है हमारी बनी किस चीज़ की होती है, ठीक है। आप सबने देखा होगा फील्ड में चैन, यानी कि अगर आप कॉलेज जाते होंगे, आपने अगर सर्वे किया होगा कभी चैन सर्वे, तो फील्ड में किया जाता है, जिससे हम चैन की सहायता से दूरी नापते हैं, तो वो चैन को आपने देखा होगा अच्छे से। चैन किसकी बनी होती है, एक्चुअल में जो चैन होती है माइल्ड स्टील की होती है। किसकी होती है, माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील। लेकिन होता क्या है, इस पर जिंक का लेप भी किया जाता है। किसका, जिंक। जिंक सभी जानते हैं, हिंदी में जस्ता कहते हैं, जस्ता, ठीक है। तो हिंदी में लिखा आता है, जस्तीकृत मृदु इस्पात के 4 mm मोटे तार को लिंक के रूप में बदल करके चैन बनाई जाती है, ऐसे लिखा आता है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, जस्तीकृत मृदु इस्पात का 4 mm मोटा तार होता है। कितना मोटा होता है तार, 4 mm मोटा। ये तार किसका होता है, ये जिंक और माइल्ड स्टील का होता है, मतलब मेन तो माइल्ड स्टील का होता है, लेकिन इसमें जिंक का भी लेप किया जाता है, ठीक है। तो किस किस का याद रहेगा ना आपको, जिंक एंड वाइल्ड स्टील का एक 4 mm मोटा वायर लेंगे हम, और उस वायर के हम क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे, लिंक, ठीक है, LINK। लिंक मतलब होता है कड़ी, हिंदी में कहते हैं कड़ी, हम इसकी कड़ी बनाते हैं। कड़ी का मतलब इस तरह से बना देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो कड़ी बनाते हैं, इसके दोनों सिरों पर हम क्या करेंगे, ऐसे गुंडी बना देते हैं इस तरह से, ताकि हम इसमें आगे कुछ भी फंसाना हो तो उसको ईजिली हम इसमें फंसा सकें। इस तरह से बना होता है, ठीक है, ऐसे गुंडी सी बना देते हैं आगे से। अब इस गुंडी में क्या करते हैं, ये जो हमने लिंक बनाया है, इस गुंडी में इधर भी एक तरफ से, तो हम जो इधर को तो हैंडल लगा देते हैं, एक साइड को हैंडल, और बीच में इस साइड को लगाते जाते हैं, इसमें रिंग लगाते हैं। रिंग क्या लगाते हैं, रिंग। रिंग मतलब हिंदी में इसको कहते हैं छल्ला। क्या लगाते हैं, छल्ला, ठीक है, छल्ले लिख दीजिए आप, रिंग्स लगाते हैं, रिंग्स, लिंक और रिंग्स। अब ये लिंक और रिंग्स के बारे में जेई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्येक लिंक के बाद कितनी रिंग लगी होती हैं, तो हर एक लिंक के बाद 3 रिंग लगी होती हैं। कितनी, 3, एक लिंक के बाद 3 रिंग लगाई जाती हैं। अब इन रिंग की अगर आपसे शेप पूछ ले, शेप किस तरह की होती है, तो ध्यान रखना जो 3 रिंग होती हैं, छल्ले होते हैं, उसमें बीच वाला छल्ला तो बिल्कुल गोल होता है, राउंडेड शेप का होता है, और दोनों साइड वाले जो छल्ले होते हैं वो अंडाकार होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, ठीक है, याद रहेगा सभी को। किस किस का, यानी कि जैसे यहाँ लाइट गई, दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको यहाँ दिखाते हैं, देखो ये तो बीच में आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये लगा रखी है कड़ी, लगा रखी है कड़ी। ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, यहाँ तो गुंडी जैसी बना रखी है इसमें, ये आपने यहाँ पर लिंक लगा दी, लिंक, ठीक, ये वाली। इस लिंक के एक साइड में इधर तो हैंडल लगा हुआ है, और इस साइड में देखो 3 यहाँ पर छल्ले लगे हैं, रिंग लगी हैं, रिंग, क्या लगी हैं, रिंग, 3 रिंग लगी हैं। कौन कौन सी, बीच वाली दिख रही है आपको, गोल छल्ला लिखा है ना, यानी कि राउंडेड, यानी गोलाकार, ये आपका छल्ला हो गया, राउंड लिंग हो गई, ये रिंग हो गई, और दोनों किनारों के देखिए, दोनों साइड के इधर का अंडाकार है, ऐसे अंडे के शेप का है, ठीक है, अंडाकार। तो याद रहेगा, एक लिंक, फिर से 3 रिंग लगा दी, फिर से देखिए एक लिंक, ये लगाया ना लिंक, ये वाला, ऐसे करके दोनों तरफ गुंडी लगी है, इधर भी, फिर से 3 रिंग लगा दी, रिंग, देखो एक ये हो गई रिंग, एक इधर को, ये अभी आधी चैन दिखा रखी सिर्फ आपको समझाने के लिए, बीच में ये गोल वाली हो गई, गोल वाला रिंग हो गया, यानी गोलाकार छल्ला, दोनों तरफ अंडाकार हो गया, ऐसे आगे तक बढ़ती जाएगी ये चैन। इतना समझ पा रहे आप लोग, ये ऊपर वाला डायग्राम सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो ये वाली हमने ऊपर मीट्रिक चैन ले रखी है, और मीट्रिक चैन में जो एक कड़ी होती है ना, हिंदी में कड़ी बोलते हैं इसको, लिंक को, तो एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, आपको आगे समझाएंगे, ठीक है।
और हम जो इसकी लिंक की लंबाई लेते हैं कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, एक्चुअल में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, लेकिन हम इसको जो गोलाकार छल्ला होता है ना, इस गोलाकार छल्ले के सेंटर से लेके दूसरे गोलाकार छल्ले के सेंटर तक की जो लंबाई होती है इसको एक कड़ी की लंबाई मानते हैं, वन लिंक की लंबाई मानते हैं इसको। इतना बोलिए, ये चीज़ सभी को समझ में आ रही है। एंड यहाँ पर दोनों तरफ जो लगा होता है हमारा, इधर भी और इस साइड भी हैंडल लगा होता है। यहाँ पर एक ही तरफ दिखाया क्योंकि आधा डायग्राम इनकम्प्लीट है, इधर को आधा ही बना के दिखाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो हैंडल होता है किसका बना होता है, ये ब्रास का होता है, ब्रास मतलब पीतल का, ठीक है, ब्रास मतलब ये पीतल का हैंडल होता है। और इस हैंडल के जस्ट पास यहाँ पर एक जॉइंट लगा होता है, इसको फिरकी जोड़ कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्विवेल जॉइंट कहते हैं, SWIVEL, स्विवेल जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फिरकी जोड़ होता है, यानी लिंक को लिंक की सहायता से एक फिरकी जोड़ द्वारा एक पीतल का हत्ता लगा होता है, और इस हत्ते की सहायता से हम चैन को खींचते हैं, ठीक है, अलग अलग करना, जैसे इकट्ठा कर लिया फिर चैन को अलग अलग करना, तो हैंडल को ऐसे करके पकड़ के खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि चैन आपकी खुल सके ऐसे। तो इसलिए हैंडल लगे तो इस साइड भी दोनों तरफ, नीचे वाले डायग्राम में मैंने दोनों तरफ दिखा रखा कंप्लीट डायग्राम, इसी को यहाँ पर समझाएंगे आपको और अच्छे वे में। इतना बताइए, समझ आ रहा है, हैंडल किसका होता है, ब्रास का यानी पीतल का होता है हैंडल, इसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या होता है, फिरकी जोड़ होता है, स्विवेल जॉइंट होता है, देन आफ्टर क्या होता है, एक लिंक, लिंक मतलब कड़ी, एक कड़ी लगी होगी, कड़ी के दोनों सिरों पर हम क्या करेंगे, घुंडी बना देते हैं, ठीक। इसके जस्ट बाद यहाँ पर तीन रिंग लगी होती हैं, छल्ले लगे होते हैं, बीच वाला छल्ला गोल होता है, दोनों साइड वाले अंडाकार होते हैं, देन आफ्टर फिर से लिंक होगा, एक लिंक होगा यानी कड़ी होगी, देन आफ्टर फिर से तीन रिंग होंगी, तीन क्या होंगी, रिंग होंगी, यानी हर एक लिंक के बाद तीन रिंग लगी होती हैं, एक दो तीन, इस तरह से। ये समझ आ रहा है, अब नीचे समझिए आप ध्यान से, मैंने ये 20 मीटर वाली चैन को नीचे दिखाया है, यहाँ पर कौन सी है, 20 मीटर की चैन यहाँ पर मैंने दिखा रखी है आप सबको, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हैंडल लगा है साइड में, ये क्या है, इधर हैंडल दिख रहा है सभी को, ऊपर वाले हैंडल, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ हैंडल हैंडल लगा रखा है। और जब भी हम यहाँ पर मैंने देखो 20 मीटर की चैन है ये, तो 20 मीटर कहाँ दिखा रखा है, इस हैंडल के बाहर से लेकर के और दूसरे वाले हैंडल के बाहर तक की दूरी दिखा रखी है 20 मीटर। डेट मीन्स ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब हम चैन से मेजरमेंट करते हैं तो वो हैंडल के समीप करते हैं यानी आउट टू आउट करते हैं या फिर हम इन टू इन करते हैं, तो हैंडल के आउट टू आउट, कैसे, आउट टू आउट यानी बाहर से बाहर तक मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, देख लीजिए हैंडल के बाहर से लेके और हैंडल के बाहर तक टोटल 20 मीटर हो रहा है ये, तो आउट टू आउट हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको सबको समझ आना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर भी हमने यहाँ भी जॉइंट दिखा रखा है फिरकी जोड़, और इस साइड भी फिरकी जोड़ दिखा रखा है, अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ फिरकी जोड़ के जस्ट बाद केवल एक, यहाँ पर क्या है, एक रिंग लगी हुई है, इसके बाद यहाँ पर तीन, यहाँ पर एक तो रिंग है उसके बाद लिंक लगाया है, पहले रिंग लगा दिया एक, उसके बाद यहाँ बीच में क्या लगाया, लिंक लगाया है, एक लिंक लगा दिया, देन आफ्टर फिर से क्या, तीन रिंग है यहाँ पर, क्या तीन रिंग है, दूसरी कलर का पेन यूज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा दिख पाए ठीक से, रिंग, फिर से एक लिंक, फिर से तीन रिंग, दिख रही है ना सभी को, फिर से एक लिंक, फिर से तीन रिंग, ऐसे रिंग, ठीक है, रिंग, समझ पा रहे हैं ऐसे ही। अब आप कहेंगे यहाँ पर सर ये क्या एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी, अब ये जो है इसमें दूरी की पहचान करने के लिए ये चैन हमारी कितनी मीटर तक हो गई, तो बीच में टैग लगे होते हैं कुछ, क्या लगे होते हैं, टैग या फिर टैली, इनके दो नाम होते हैं, टैग या टैली, टैग बोलते हैं, टैली भी बोलते हैं इसको, ठीक है, टैग या फिर टैली, हिंदी में टिक्की कहते हैं इसे, ठीक, तो यहाँ पर हमने टैली लगा दी। अब जो मीट्रिक चैन होती है इसकी टैली की शेप आप सबको याद रखनी है, शेप मतलब किस आकृति की टैली लगी होती है, इनकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एग्जाम इनके शेप देता है और पूछता है बताओ ये कितने मीटर पर लगी होती है, ये कितने मीटर पर लगी होती है, तो जब भी आपको इस तरह की टैली दिखाई दे जिसकी केवल एक टांग हो, वन लेग टैली बोलते हैं इसको, तो ये 5 मीटर की लेंथ पर लगी होती है, इस लेफ्ट साइड से 5 मीटर की लेंथ पर एक टैली लगा दी, ठीक, इसके जस्ट बाद फिर क्या करते हैं, दूसरी टैली जब लगाते हैं तो अगले 5 मीटर पर लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये तो 5 मीटर सर ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो ये डायग्राम में सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया गया है, एक्चुअल में ये 5 मीटर और ये वाला 5 मीटर बराबर होते हैं, चूंकि यहाँ पर 20 मीटर दिखाते हैं अब तो बराबर दिखा पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पास पास दिखा दिया इनको, एक्चुअल में ये बराबर दूरी पर ही होते हैं। तो जो पहली टैली लगी होती है 5 मीटर की लेंथ पर, उसकी शेप इस तरह से होती है, दूसरी टैली अगले 5 मीटर पर होती है, मतलब लेफ्ट साइड से 10 मीटर पर हो गई है, तो ये वाली टैली में दो टांग बननी होती है, देखो लिखा टैली एट 10 मीटर लेंथ, इधर वाली टैली एट 5 मीटर लेंथ, ये वाली, ये देखो दो लेग है ना इसकी, एक लेग ये होगी, एक इधर वाली लेग, एक इधर वाली, दो लेग वाली है ये, इसको कहेंगे हम टैली एट
10 मीटर लेंथ। अगली देखो, अगली तीन टांग वाली, एक लेग, दूसरी लेग, तीसरी लेग, तीन टांग वाली है तो 15 मीटर पर लगी होगी, याद रहेगा ना आपको। तो ये टैली होगी 5-5 मीटर की लेंथ पर, यानी पहली 5 पर, दूसरी 10 पर, तीन टांग वाली 15 मीटर की लेंथ पर लगी होती है। इस तरह से आपको ये भी समझ आ गया, एक लिंक के बाद तीन रिंग, फिर तीन रिंग, इस तरह से समझ पा रहे हैं। अभी इसका आपको रिंग और लिंक में एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको लिखवाएंगे, उस पर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, छोटा सा न्यूमेरिकल। ये समझ आ रहा है ना, ये तो मीट्रिक चेन है 20 मीटर वाली, आपको बताएंगे मीट्रिक चेन क्या होती है, इंजीनियर चेन क्या होती है, सब बताएंगे। सिर्फ डायग्राम पहले देख लीजिए, नीचे यहाँ पर मैंने एक इंजीनियर चेन दिखा रखी है। इंजीनियर चेन 100 फुट की होती है, ठीक है, 100 फुट की होती है, इसमें 100 ही लिंक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो टैली होती है वो अलग अलग शेप की होती है। ऊपर वाली टैली आपने देखी थी जो 20 मीटर वाली थी, एक टांग वाली 5 मीटर की, दो टांग वाली 10 की, तीन वाली 15 मीटर की, यहाँ पर ये फुट में होती है। जो हमारी सिंगल लेग वाली होती है टैली, ये वाली टैली या फिर टैग, दो नाम है इसके, टैग या फिर टैली, हिंदी में टिक्की। तो ये एक टांग वाली 10 फुट पे, दूसरी दो टांग वाली 20 फुट पे, तीसरी 30 फुट पे, चार टांग वाली 40 फुट पे, चार टांग तक की टैली होती है। इसके जस्ट बाद एक बिल्कुल गोल वाली टैली आ जाती है फुट वाली में, इंजीनियर चेन में, ये 50 फुट पे लगी होती है। देन आफ्टर अगर हम इधर चलेंगे तो आप इस साइड से भी गिनेंगे ना, तो जैसी इस साइड से 10 मीटर पर थी, सेम वैसी इस साइड से 10 मीटर पर होगी। जैसी इस साइड से 20 मीटर पर थी दो टांग वाली, सेम वैसी इस साइड से 20 मीटर पर होगी। जैसे यहाँ पर 30 मीटर पर, इस साइड से ये 30 मीटर पर, और यहाँ पर 40 पर, इस साइड से 40 पर। लेकिन हम इधर से नापते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब जो इधर आएगी ये सेम वाली चार वाली, यहाँ पर इसको 60 बोल देंगे। इसके जस्ट बाद 30 वाली जैसी आएगी उसको 70 बोलेंगे। इसके जैसी जो आएगी आगे 80, और सेम इसके जैसी 90, और इधर जाके पूरा फिर कितना हो गया, ये 100 हो जाता है। इस तरह से 100 फुट की होती है इंजीनियर चेन। तो डायग्राम तो आपको समझ आ रहे होंगे उम्मीद है, ठीक है। अगर आपसे तीनों डायग्राम बन पाए तब बनाइएगा, नहीं बन पाते तो आप करेंगे क्या, सिर्फ इतना डायग्राम जरूर बना लेंगे। यहाँ पर ये जो आपने लिंक लगा रखा है, कड़ी लगा रखी है, कड़ी के दोनों तरफ गुंडी बनी है, इसको देख के ही हम पूरी थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। इसको देख करके ही पूरी थ्योरी लिखेंगे। पहले आप इस डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप डायग्राम को बना पाए अच्छे से। चलिए वन के डायग्राम, अब इसको रफ कर देते हैं, एक डायग्राम रफ कर दें, फिर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाते हैं, उसको जरूर लिख लेना आप। रिलेशन बिटवीन लिंक एंड रिंग, लिंक और रिंग में रिलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको थ्योरी शो करा देंगे, फिर आपका ये चेन वाला टॉपिक कवर होगा, फिर काइंड्स ऑफ चेन पढ़ेंगे, चेन के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, अगर हमें नंबर ऑफ रिंग निकालनी हो, नंबर ऑफ रिंग्स मतलब है इस छल्लों की संख्या निकालनी हो, और अगर हमें नंबर ऑफ लिंक दे रखा हो, नंबर ऑफ लिंक्स हमें दिया है, कड़ियों की संख्या दे रखी है, तो कैसे निकालते हैं। तो अभी जस्ट आपको क्या बताया, आपको बताया था कि एक लिंक के बाद तीन रिंग लगी होती है। यहाँ भी देख सकते हैं, एक लिंक के बाद तीन रिंग लगी होती है, एक लिंक के बाद तीन रिंग लगी होती है। डैट मीन्स नंबर ऑफ रिंग्स बराबर हो जाएगा 3 × नंबर ऑफ लिंक्स, और -1 कर देंगे इसमें से -1। अब -1 क्यों करते हैं ये भी सुन लीजिए, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये जो -1 किया गया है, इसका रीज़न ये है, आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ कोई लिंक है, यहाँ पर तीन रिंग है, यहाँ लिंक, यहाँ तीन रिंग, यहाँ लिंक, यहाँ तीन रिंग, यहाँ लिंक, यहाँ तीन रिंग, इस तरह। लेकिन साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में केवल एक तो आपकी रिंग ये वाली है और एक रिंग ये वाली है, मतलब दो ही रिंग है यहाँ पर, दोनों साइड में दो रिंग है, एक रिंग कम है, तो इसलिए एक माइनस कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसमें देखिए, इसमें आप लिंक काउंट कर लो, कितनी लिंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितनी है, 7 हैं। यानी मैंने सपोज आपको क्वेश्चन बना दिया ये, इफ़ नंबर ऑफ लिंक यानी कड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ लिंक्स इक्वल टू 7, और मैंने आपसे पूछा, देन मैंने आपसे क्या पूछा, तब मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ रिंग बताओ कितनी होंगी, नंबर ऑफ रिंग्स यानी कि छल्लों की संख्या बताओ। तो आप फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, 3 करते हैं गुणा में फिर नंबर ऑफ लिंक्स यानी 7 करेंगे, -1, 7 × 21 -1 कितना आ गया, 20 आ गया, मतलब 20 रिंग आ रही हैं। 7 तो लिंक थी, 20 रिंग आ रही हैं, गिन लीजिए क्या इसमें 20 रिंग हैं। देखिए 3 × 3, 3 × 6, 9, 12, 15, 18 और एक ये 19 और एक इस साइड वाली 20। डेट मीन्स आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
रिंग और लिंक में रिलेशन हो सकता है। डिप्लोमा की बुक में ये नहीं दे रखा हो, लेकिन एडिशनल है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रहेगा सभी को। बोलिए क्लियर है सभी को ये चीज़, ठीक है। अब आपका ये चेन वाला टॉपिक पूरी तरह कवर हो गया, अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। बट उससे पहले चेन में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है इसकी थ्योरी आप सबको स्लाइड में शो हो रही है, इसमें देख देख के आप लोग लिख लीजिएगा। थ्योरी हिंदी में शो हो रही है, बट मैंने यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स सभी आपको इंग्लिश में लिखवाए थे, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी टू द पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट बना बना के इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको समझाया है उसी को थ्योरी की फॉर्म में, ठीक है। कर लेंगे इस चीज़ को, समझ गए ना। चलिए अब चलते हैं चेन के अगले टॉपिक पर, काइंड्स ऑफ चेन, इसको हटाते हैं। चलिए अब समझते हैं काइंड्स ऑफ चेन, यानी चेन के प्रकार, जरीब के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मेनली जो चेन होती है हमारी पांच टाइप की होती है, जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक करके सभी चेन को डिस्कस करेंगे और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप थ्योरी को लिखें, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर्स चेन की, हिंदी में इसको इंजीनियरी जरीब या फिर सौ फुटी चेन कहते हैं। सौ फुटी चेन कह रहे हैं इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, सौ फुट होगी। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर की चेन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं थ्योरी लिखता जाऊँगा, आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर इनके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, पहले वाले पॉइंट सुन लीजिए। इसके सबसे पहली चीज़, ये 100 फिट की होती है, कितने 100 फिट, या फिर आप कह दीजिए हिंदी में 100 यानी 100 फुट की होती है चेन, ठीक है। समझ पा रहे हैं इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 फुट होगी। एंड इसमें बात करें लिंक यानी कड़ी कितनी होती है इसमें, कड़ी तो 100 फुट की होती है, 100 ही इसमें कड़ी होती है, कड़ी मतलब लिंक होती है, ठीक है, 100 लिंक्स होती हैं। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो अपन लोग कौन हैं, हम लोग हैं इंजीनियर्स, ठीक है। और इंजीनियर्स की कोशिश यही रहती है कि 100 में से 100 नंबर लाने की, क्या कोशिश रहती है, 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश रहती है, तब जाके हम कहीं पास होने लायक ला पाते हैं, यही सबकी कोशिश होती है ना। तो हम क्या याद रखेंगे यहाँ पर, इंजीनियर्स चेन 100 फुट की 100 लिंक्स होती हैं, 100 में से 100, अपन इंजीनियर्स हैं, 100 में से 100 नंबर लाते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, 100 में से 100, 100 फुट 100 लिंक, इतना याद रहेगा। एंड आगे बात करें अगर यहाँ पर हम, अब मैंने कहा एक जो लिंक होगा, एक कड़ी की लंबाई कितनी होगी, अब 100 लिंक की लंबाई 100 फुट है, तो एक लिंक की लंबाई 1 फुट होगी, यानी इसमें 1 फुट क्या हो जाएगा आपका, जो 1 फुट होगा, 1 फुट वो आपका एक लिंक के बराबर होगा, एक कड़ी की लंबाई यहाँ पर कितनी होगी, 1 फुट होगी, ठीक है। एंड यहाँ बात करें टैग की, तो जो टैग लगे होते हैं इसमें, वो 10 लिंक के बाद एक टैग लगा होगा, कितना, 10 लिंक के बाद, 10 लिंक्स, 10 लिंक्स के बाद, अब 10 लिंक के बाद कह दो आप, या फिर 10 फुट के बाद कह दो, या क्या कह दो, या फिर 10 फुट, FT लिख दिया मैं शॉर्ट में फुट को, फुट के बाद, एक टैग लगाते हैं, के बाद एक टैग लगाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था इंजीनियर्स चेन का डायग्राम तीसरा वाला, उसमें दिखाया था ना, 10 फुट पे टैग लगे हुए थे, तो या तो कह दो 10 लिंक के बाद या फिर 10 फुट के बाद एक टैग लगाया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए किसके बारे में, इंजीनियर्स चेन के बारे में। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे, ठीक है। लिख लेंगे आप लोग इसे, इजीली आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक। बाकी आपको अगर थ्योरी भी लिखनी है तो मैं आपको स्लाइड में शो कर रहा हूँ, इसमें से देख के आप इसकी थ्योरी लिख लीजिए कि एक चेन की लंबाई 100 फुट होती है और एक चेन में 100 कड़ियाँ होती हैं, एक कड़ी की लंबाई 1 फुट होती है, प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद एक टैग लगाई जाती है, या इन शॉर्ट आप इस तरह लिखिएगा जैसे मैंने लिखा, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। पहला सभी को समझ आया। दूसरा बात करते हैं गंटर चेन के बारे में। अब गंटर चेन के पॉइंट सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़, गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है, ये 66 फुट की होती है, कितने फुट की, 66, ये 66 फुट की होती है गंटर चेन, ठीक है। अगर बात करें इसमें लिंक कितने होते हैं, इसमें भी 100 लिंक होते हैं, कितने, 100 लिंक होते हैं इसमें, 100 लिंक, ठीक है। अब आपको देख के पता चल रहा होगा गंटर चेन को हिंदी में एक और नाम है आपके सामने लिखा है, क्या नाम है इसका, इसको सर्वेक्षक चेन यानी सर्वेयर चेन भी कहते हैं, इंग्लिश में सर्वेयर चेन, हिंदी में सर्वेक्षक चेन भी कहते हैं। पहला पॉइंट समझ आ रहा है, 66 फुट की होती है और इसमें 100 होते हैं लिंक्स, 100 लिंक। अब देखो JEE के एग्जाम में एक बार गंटर चेन पूछ लिया था और गंटर चेन में ऑप्शन फुट नहीं दे रखे थे, 66 फुट नहीं दे रखे, बल्कि इस तरह से ऑप्शन थे 20.21 मीटर या फिर 21.20 मीटर या फिर यहाँ लिखा था 20.11 21.12, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, ऐसा JEE में आया था। यानी कि गंटर चेन की जो लंबाई पूछी थी वो फुट में ना पूछ के किस में पूछ ली थी, मीटर में पूछी गई थी, मीटर में, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं मीटर में,
मीटर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप सब जानते हैं एक फुट में कितना मीटर होता है, पता है सभी को, इसको नोट में लिखिएगा आप लोग इस चीज़ को नोट में, एक फुट जो होता है, एक फुट वो कितने मीटर के बराबर होता है, कोई बता सकता है एक फुट कितने मीटर के बराबर? फुट कह दो या फिट कह दो, फिट, एफ डबल ई टी, फिट, ठीक है। एक फिट कितने मीटर के बराबर होता है? तो 0.3048 इतने मीटर के बराबर होता है। या सेंटीमीटर में आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, एक फुट वाला जो पैमाना होता है, स्केल होता है, वो 30 सेंटीमीटर का होता है। कितने? 30 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, ये तो 30.48 हो जाएगा मीटर। अब अगर आपको मीटर बनाना हो इसका, तो आप 66 में इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नॉर्मली वैल्यू किस में मिल जाएगी? मीटर में मिल जाएगी। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, घंटर चेंज होगी कितने मीटर की होगी। अगर आप इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 66 फुट को, 66 में इतने से मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि घंटर चैन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, बता देंगे ना आप। ऐसी चीज़ों को ज़रूर लिखा करें, ये जेई एग्जाम्स में आगे जाके पूछी जाती हैं। अब बिलीव कीजिए मेरे एसएससी जेई में ही पूछा था ये क्वेश्चन, 66 फुट की जो चैन है ना, इसको मीटर में दे रखे थे ऑप्शन सभी, घंटर चैन के 6 फुट वाला था ही नहीं ऑप्शन। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखा करें, ठीक है। ये नोट में आप याद रखना, एक फिट जो होता है इतने मीटर के बराबर होता है, इससे मल्टीप्लाई करके आप इसको मीटर में इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने यहाँ क्या बताया, घंटर चैन 66 फुट की होती है, 100 लिंक होते हैं। अब मैं कहूँ आपसे एक लिंक की लंबाई कितनी होगी, एक लिंक की लंबाई निकाल लो, वन लिंक कितनी लंबाई की होगी, तो इस 100 को इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा तो 0.66 फिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.66 फिट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बोलिए समझ आ रहा सभी को? ये चीज़ मैंने आपको एडिशनल दिया अलग से, ठीक है। इसका घंटर चैन से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको मीटर में पूछ लें इसके लिए मैंने ये कन्वर्जन आपको बता दिया, आप याद रखेंगे इसको। एक कड़ी पता चल गई कितनी होती है आपके, 0.66 फुट की होती है। अगर बात करें टैग के बारे में, तो इसमें भी टैग जो होती है 10 लिंक के बाद ही लगाते हैं। इसमें टैग कितने के बाद? 10 लिंक, 10 लिंक्स के बाद एक टैग लगाते हैं, एक टैग लगाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कितने फुट के बाद लगाते हो, तो आप इसमें क्या कीजिए, एक लिंक था आपका 0.66 फिट का, तो आपका 10 कितने का हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 6.6 फिट के बाद एक टैग लगा होता है। फिट में चेंज करके भी आप बता सकते थे, बाकी यहाँ भी 10 लिंक के बाद लगा होता है, यहाँ भी 10, लेकिन इसमें 10 फिट के बाद लगता है। और इसमें अगर हम इसको फिट में चेंज करें, एक लिंक आपका 0.66 फिट के बराबर है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66 आएगा, 6.66 फिट के बाद एक टैग लगाते हैं, या करके लिखेंगे, या के बाद एक टैग लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इतने ही पॉइंट है, सिर्फ घंटर चैन में इतने ही पॉइंट है, बाकी आपको जो फरलोंग होता है, फरलोंग में कितने घंटर चैन होते हैं, ये सब कुछ आपको लास्ट में नोट में लिखवाएंगे हम, ठीक है। एक माइल जो होता है, एक माइल में कितने घंटर चैन होते हैं, एक फरलोंग में कितने घंटर चैन होते हैं, वो लास्ट में आपको नोट पॉइंट में लिखवाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है इन जेई पर्पज, ठीक है। चलिए हो गया ये, इतना समझ के घंटर चैन दूसरा भी हो गया। यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट किसके थे? इंजीनियर चैन के। ये वाले पॉइंट्स सभी किसके हैं? घंटर चैन के। अगर आपको थ्योरी पार्ट चाहिए इसका, तो थ्योरी भी, यस थ्योरी है मेरे पास, इसको आप स्लाइड में देख के लिख सकते हैं। 66 फीट लंबी यह चैन घंटर महाशय के नाम पर घंटर चैन कहलाती है, मतलब घंटर महाशय एक इंजीनियर थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है घंटर चैन। इसे सर्वेयर चैन भी कहते हैं। इस चैन में भी 100 कड़ियाँ होती हैं, यानी 100 लिंक होती हैं, और एक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट, इंच में देखें तो 7.92 इंच होती है, ठीक है, कर लेंगे आप इसको भी। अब आते हैं तीसरे पर, तीसरा कौन सा है हमारा? रिवेन्यू चैन। तीसरा है रिवेन्यू चैन, ये रहा, ठीक। इस रिवेन्यू चैन के पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से मैं एरो बना करके दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से लिखिएगा प्लीज़, है ना। मैं आपको एक ही बोर्ड पर सारे चैन समझा रहा हूँ, इसीलिए इस तरह से बेस्ट तरीका है समझने का, ऐसे पॉइंट वाइज लिखने का। अगली बात करते हैं रिवेन्यू चैन, ये सबसे छोटी चैन होती है, क्या याद रखेंगे? ये छोटी चैन होती है रिवेन्यू चैन, छोटी होती है इसलिए ये 66 की थी, इसका आधा कर दो, 33 फिट की होती है। कितने फिट की होती है? 33 फिट की होती है ये। और इसमें बात करें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं, मात्र 16 लिंक्स होते हैं। कितने होते हैं? 16 लिंक्स होते हैं इसमें, मात्र इसमें 16 लिंक्स होते हैं। अब अगर आपसे पूछूं मैं, इसमें एक लिंक की लंबाई बता देंगे आप? क्या आप एक लिंक की लंबाई इसमें बता सकते हैं?
यस बिल्कुल बता सकते हैं। 16 को 33 से डिवाइड कर दो, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, वन लिंक जो होगा, वन लिंक, एक लिंक कितना लंबा होगा यहाँ पर, 33/16 इतने फिट का होगा। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, जितना भी आता है ये कितने का होगा, 33/16, 16 को इधर लेंगे ना, 33/16 फिट का एक लिंक होगा, एक कड़ी की लंबाई 33/16 फिट होती है। ठीक है, और कुछ है इसमें रेवेन्यू चेन में, तो रेवेन्यू चेन के बारे में बस इतना ही है इसमें, और कुछ खास नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, इसकी थ्योरी भी आपको स्लाइड में शो हो रही है। इसे पटवारी जरीफ भी कहते हैं, यह 33 फिट लंबी होती है और इस चेन में कुल 16 कड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक कड़ी की लंबाई 2 सही 1/16, यहीं से आ जाएगा 2 सही 1/16, 16 × 32 होता है ना, 2 सही 1/16 फिट कह दीजिए आप, या फिर 33/16 फिट भी कह सकते हैं कि मतलब है इतना होता है। उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी अगली चौथी वाली मीट्रिक चेन। मीट्रिक चेन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीट्रिक चेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आगे से वो कैरो बना लेते हैं इसका, इस साइड से समझिए। मीट्रिक चेन, अब मीट्रिक चेन जो होंगी हमारे पास, मीट्रिक चेन दो होती हैं, एक 30 मीटर की होती है मेनली जो यूज करते हैं हम, एक 30 मीटर की होती है, दूसरी 20 मीटर की होती है। तो कौन कौन सी होती है, एक तो 20 मीटर की चेन होती है। मीट्रिक चेन कितने की होती है, 20 मीटर वाली, 20 मीटर की जो होगी, 20 मीटर में 100 लिंक होंगे, कितने होंगे, 100 लिंक्स। ठीक, यानी 100 कड़ियाँ होंगी इसमें। एक होती है 30 मीटर की, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होते हैं, 150 कड़ी होती हैं, 150 लिंक्स होते हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ से निकालूं एक लिंक की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाइए इसको, आप इसको इधर ले जाएं तो 20 मीटर था ये, अपॉन में 100 कर दिया। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, नीचे भी 100 था, कट गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। सेम आप इसको इस साइड ले जाओ, तो ये 30 मीटर है, बट्टे में 150 हो गया। आप मीटर में चेंज, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, 30/150 है, गुणा 100 से कीजिए सेंटीमीटर में करने के लिए, तो देखो एक जीरो कट गया। ये 15 से 30 कितनी, दो बार कटेगा, और 2 और 10 का गुणा कीजिए, ये भी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है क्या, कि जो मीट्रिक चेन होती है उसमें एक लिंक की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो एक लिंक होता है हमारा, वन लिंक कितना होता है, वन लिंक 20 सेंटीमीटर का होता है। मीटर में लिखें तो 0.20, बाकी सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर होती है एक कड़ी की लंबाई। ठीक है, एक कड़ी की लंबाई। अब मीट्रिक चेन में भी टैग लगे होते हैं, यानी टैली लगी होती है। ठीक है, इसमें जो टैली लगती है वो 5 लिंक के बाद लगती है, कितने के बाद, 5 के बाद, 5 के बाद सही बोल रहे हैं ना, नहीं 25 के बाद होगा इसमें टैग, यस प्रत्येक 25 लिंक के बाद, यानी 5 मीटर पर लगाई जाती है, कितनी, 25 लिंक, 25 लिंक्स के बाद, 25 लिंक के बाद कह दीजिए आप, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसमें, या करके लिख दीजिएगा, 25 कड़ियों के बाद, या 25 कड़ी में कितने सेंटीमीटर हो गए, देखो 20-25 का गुणा कीजिए, एक जीरो है, 25 × 50, यानी 500 सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर हो गया। यानी एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो 25 की कितनी हो जाएगी, 25 × 20, यानी 500 सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर हो गया, 5 मीटर, या फिर 5 मीटर के बाद, या फिर 5 मीटर के बाद, प्रत्येक 5 मीटर के बाद आपको एक टैग मिलेगा, टैग कह दीजिए या फिर टैली कह दीजिए, कि मतलब है टैग या टैली, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, बोलिए क्लियर है सभी को यह चीज़, यस लिख लीजिए, टैली लिख लीजिए, टैग, मैं टैग लिख देता हूँ अभी के लिए, टैग लगे होते हैं। और कुछ खास है मीट्रिक चेन में लिखने के लिए, बाकी टॉलरेंस और लिख लीजिए नोट में, इसमें टॉलरेंस लिख लीजिए मीट्रिक चेन में, हालांकि मैं अलग से भी आपको लिखवाता, वैसे यहाँ भी लिख लीजिए टॉलरेंस कितना होता है। टॉलरेंस को हिंदी में छूट कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस को हिंदी में छूट कहते हैं, छूट, टॉलरेंस मतलब छूट। ठीक, कितने कितने की छूट होती है, जो 20 मीटर वाली चेन है, 20 मीटर वाली, इसमें प्लस माइनस 5 mm की छूट होती है, मतलब 20 मीटर की चेन है, ये 5 mm बड़ी होगी तब भी हम इसको स्टैंडर्ड चेन मान लेंगे, सही है चेन हमारी,
5 mm छोटी होगी तब भी सही मान लेंगे, मतलब 5 mm का अगर इसमें कम ज़्यादा है चैन तो इसकी इतने इतने एरर तक की छूट है, इसमें इतना टॉलरेंस है। अगर 30 मीटर वाली चैन है, कितने मीटर की, 30 मीटर की, तो इसमें प्लस माइनस आपको 8 mm का टॉलरेंस दिया जाता है, छूट दी जाती है कि 30 मीटर वाली चैन में अगर 8 mm तक की गलती है, ये बड़ी या छोटी हो गई है किसी कारण से, तब भी आपकी चैन ये मानक चैन में गिन ली जाएगी, स्टैंडर्ड चैन हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। तो ये टॉलरेंस हो गया मीट्रिक चैन में, और तो कुछ है नहीं इसमें खास। यस, तो इसके बारे में आपको स्लाइड में सो रहा है मैट्रिक चैन, इसको लिख लीजिए आप लोग। ये है निम्न लंबाई में मान्य है 20 मीटर चैन, 150 लिंक होते हैं इसमें, एक लिंक हो गया 30 मीटर वाला। ठीक है, ऐसी 20 मीटर चैन 100 लिंक होते हैं और एक लिंक यहाँ भी 20 सेंटीमीटर आएगा, मतलब सभी मीट्रिक चैन में एक कड़ी की मानक लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है और प्रत्येक 25 कड़ी यानी 5 मीटर पर टैग लगाई जाती है। तो ये हो गए तीन। अब आपका चारों हो गए ना, इंजीनियर चैन हो गई, रिवेन्यू चैन हो गई, और ये इंजीनियर चैन, गंटर चैन, रिवेन्यू चैन और मीट्रिक चैन, स्टील बैंड और ये जो बैंड चैन है इसके बारे में आपको अलग से समझाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे रफ कर सकूं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। हैं, चलिए नोट कर लिया आप सब ने, ये मैं इधर का मिटा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इसे, और इसमें लिख लेते हैं, ठीक यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बारे में। स्टील बैंड, सबसे पहले चीज़ जो आपका ये स्टील बैंड होता है या फिर बैंड चैन होती है पत्ती जरीफ, ये भी हमारे पास 20 मीटर और 30 मीटर में ही उपलब्ध है। किस किस में? 20 मीटर एंड 30 मीटर में, 20 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल है ये। ठीक है, 20 और 30 मीटर में अवेलेबल है। बट अगर बात करें हम इसमें, आप यहाँ लिखा ना मीट्रिक चैन से मिलता जुलता है, कुछ ही मीट्रिक चैन से, 20 मीटर 30 मीटर की थी, ये भी 20 मीटर 30 मीटर लंबाई में उपलब्ध है, 20 मीटर 30 मीटर लेंथ में अवेलेबल है ये, लेंथ में उपलब्ध है, उपलब्ध है, अवेलेबल है। बट अगर बात करें इसमें, बट इसमें लिंक नहीं होती कोई भी, बट नो लिंक्स, इसमें कोई लिंक नहीं होती, इसमें एक भी कड़ी नहीं होती, ये कड़ी रहित होती है। ठीक है, इसमें लिंक नहीं होती आपके स्टील बैंड में या फिर बैंड चेन में। ठीक, बात करें इसकी चौड़ाई की, तो ये कितनी चौड़ी होती है, ये चौड़ी कितनी होती है, तो लगभग इसकी चौड़ाई होती है 12 mm से लेके 16 mm, कितनी 12 mm, पत्ती होती है एक तरह की, ये 12 mm से लेकर 16 mm ये चौड़ी होती है, चौड़ी मतलब इसकी विड्थ होती है इतनी। ठीक है, इतनी चौड़ी होती है। एंड मोटाई की बात करें हम इसकी, मोटाई तो 0.3 mm से लेकर के और 0.6 mm, इतनी मोटी होती है, मोटी मतलब थिकनेस, इसकी ये थिकनेस है, इतनी मोटाई की एक पत्ती होती है। कहने का मतलब क्या है, इस तरह से अगर आप देखेंगे ऐसे पत्ती सी बनी होती है, पॉइंट 12 से 16 mm इस तरह से लगभग इतनी चौड़ाई की पत्ती होगी, उसकी कुछ मोटाई होती है थोड़ी सी क्या होती है, इसकी कुछ मोटाई होती है हल्की सी, ऐसे इस तरह से। लंबाई वही है, 20 मीटर और 30 मीटर में उपलब्ध होगी, या तो 20 मीटर कह दीजिए आप या फिर 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई। ठीक है, एंड बात करें इसकी मोटाई, ये जो मोटाई आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, ये वाली, ये मोटाई कितनी होती है इसकी, आपको दिख रही है 0.3 mm से 0.6। एंड चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी होगी इसकी, ठीक है, आप चौड़ाई देख सकते हैं 12 mm से लेकर 16 mm, इस तरह से एक पत्ती जैसी रहती है ये। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका डेटा आपके सामने लिख दिया, जो आपका स्टील बैंड होता है 20 मीटर या 30 मीटर में अवेलेबल होता है आपको इतनी लंबाई में, इसमें कोई भी कड़ी नहीं होती, 12 mm से लेकर 16 mm इसकी चौड़ाई होती है, 0.3 से 0.6 mm की मोटी होती है ये। एंड जिस तरह से यहाँ पर 25 लिंक के बाद में या फिर 5 मीटर के बाद में एक टैग लगा होता है, इसमें टैग नहीं लगाते, इसमें क्या लगा होता है, इसमें 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर पीतल की एक फुल्ली लगी होती है, यानी स्टड लगी होती है, कितने पर 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर, अंतराल कह दो या इसके बाद कह दो, इंटरवल, अंतराल मतलब इंटरवल, 20 सेंटीमीटर के इंटरवल पर क्या लगा होता है इसमें पीतल की फुल्ली, यानी कि ब्रास, BRASS, ब्रास स्टड,
ब्रास की स्टड लगी रहती है, पीतल की एक फुल्ली लगी रहती है, ये था इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स किसके बारे में है, स्टील बैंड के बारे में है। इसकी थ्योरी भी आप लोग स्लाइड में भी आपको शो कर दे रहे हैं, इसमें से भी लिख लीजिए। यह एक कड़ी रहित चैन है और इस्पात की पत्ती की है बनी यह चैन। 12 mm से लेकर 16 mm चौड़ी होती है और 0.3 से 0.6 mm मोटी होती है। लंबाई में यह 20 मीटर या 30 मीटर में उपलब्ध है। 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर पीतल की एक फुल्ली यानी स्टड लगी रहती है इसमें। बोलिए यह चीज़ सभी को समझ आई? तो ये आपके सामने मैंने पांचों टाइप की चैन को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपके सामने कुछ नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, इन नोट पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर याद कर लें, ये आपके लेंथ के यूनिट कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प करेंगे इन फ्यूचर। इसको हटाते हैं और आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए चैन पर आधारित ही कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट लिखे हैं, लगभग 5 पॉइंट हैं ये, इनको आप एक बार ध्यान से पढ़िए। पहला पॉइंट है चैन की लेंथ की जांच। अगर हमें चैन की लंबाई की जांच करनी हो, चेक करना हो कि हमारे चैन की लेंथ सही है, कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड चैन या फिर स्टैंडर्ड टेप की सहायता से करेंगे। हमारे पास कोई भी एक मानक चैन होगी जिसकी स्टैंडर्ड लंबाई होगी 20 मीटर हो या 30 मीटर हो, उससे हम नाप लेंगे। उससे बड़ी है तो कह देंगे ये चैन बड़ी है, अगर उससे छोटी है तो कह देंगे छोटी है, कि स्टैंडर्ड चैन ले लेंगे या कोई भी स्टैंडर्ड टेप ले लेंगे जिसकी लंबाई बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ठीक है, उसकी सहायता से हम इसे चेक कर लेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल पॉइंट था, आपको समझा दिया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, हैंडल के पास वाली लिंक बदलकर चैन की लेंथ कम की जा सकती है। मतलब हैंडल के पास वाली जो लिंक होती है वो अदर सभी लिंक से छोटी होती है, इसको हम एडजस्टमेंट लिंक भी कहते हैं, यानी समायोजन कड़ी भी कहते हैं इसको। इसीलिए हम जब भी हमारे चैन की लेंथ कम या ज़्यादा करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो हैंडल के पास वाली लिंक होती है ना, कड़ी होती है, उसको निकाल करके हम उसको बदल के दूसरी लगा देते हैं उसकी जगह पर। बदल के अगर हमें छोटा करना हो तो हम उसको छोटी कर देंगे, अगर हमें उसे बड़ा करना हो तो हम उसे बड़ी कर देंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग इसको, यानी हैंडल के पास वाली लिंक बदल कर हम चैन की लेंथ कम कर सकते हैं, एंड हैंडल के पास वाली कड़ी अन्य कड़ियों से लंबाई में कम होती है, इसे हम समायोजन कड़ी यानी एडजस्टमेंट लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एडजस्टमेंट लिंक कहते हैं। समझ पा रहे हैं सभी? अब नीचे के जो 3 पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद कर लें। 10 गंटर चैन जो होते हैं 1 फरलोंग के बराबर होते हैं। फरलोंग क्या है, फरलोंग लेंथ की एक यूनिट है, लंबाई का एक मात्रक है। तो 1 फरलोंग जो होता है 10 गंटर चैन के बराबर होता है। जस्ट अभी आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, कि जो गंटर चैन होती है वो 66 फुट की होती है, और हमारी कितनी गंटर चैन के बराबर है, 10 गंटर चैन के बराबर है। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 10 से गुणा कर देंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 660 फिट। 660 फिट लंबाई को हम 1 फरलोंग कहते हैं। अगर मैं इसको गज में पूछूँ आपको, गज में, तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको भी ऐड कर लीजिएगा इसमें आप, क्या कि जो 3 फिट होता है ना, 3 फिट 3 फिट, ठीक है, 3 फिट, वो 1 गज के बराबर होता है। गज को इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं, गज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यार्ड। तो 3 फिट में 1 गज होता है, 3 फिट में 1 गज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 66 फिट में 22 गज होगा, कितना होगा 22 गज, 22 में 10 से गुणा कीजिए तो 220 यार्ड आ जाएगा, 220 यार्ड। यानी आप क्या कह सकते हैं, 1 फरलोंग 10 गंटर चैन के बराबर 1 फरलोंग होगा, या फिर कह दीजिए 1 फरलोंग जो होता है वो 660 फिट के बराबर या फिर 220 यार्ड के बराबर। अब मैंने यहाँ पर आपको एक तो होमवर्क क्वेश्चन ये दिया ही था कि एक इसमें जो गंटर चैन की लंबाई है वो मीटर में कितनी होगी, 66 फिट तो होती है फिट में, मीटर में कितनी होगी, तो वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि 1 फिट जो होता है 0.3048 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये 3 फिट जो होता है वो कितने गज के बराबर होता है, 1 गज। यानी हमें यहाँ ये पता चल गया, 1 गज में 3 फिट होता है, 1 गज में कितना होता है, हिंदी में लिख देते हैं, 1 गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है, 3 फुट या फिट कुछ भी लिख दो, 3 फुट के बराबर। एंड आपको ये भी पता चल गया था कि 1 फुट जो होता है वो 0.3048 इतने मीटर के बराबर होता है। ये 2 यूनिट आपको यहाँ पर पता चल चुकी हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखें। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको नॉर्मली ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको इतना तो होमवर्क में दे दिया, गंटर चैन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। आप साथ में ये भी मुझे बताएंगे कि जो आपका, ये तो आपको पता है 1 फिट को आप इंच में तो चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है, तो आप 1 सेंटीमीटर जो होता है आपका, यानी नहीं 1 इंच जो होता है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे,
क्या बताएंगे आप, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये भी आपको होमवर्क में बताना है, यानी कि कमेंट सेक्शन में बताना है एक इंच में कितने सेंटीमीटर। समझ आ गया ना, मेरे आपसे दो क्वेश्चन तो ये हो गए होमवर्क के लिए। गंटर्स चैन, गंटर्स चैन की लंबाई बतानी है आपको कितने मीटर में होगी, ठीक, और एक इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। ये मैं आपको समझा चुका ऑलरेडी, मैंने आपको फरलोंग की यूनिट भी समझा दी कितनी होती है। नेक्स्ट, 10 गंटर चैन तो एक फरलोंग के बराबर है, और 80 गंटर चैन जो होता है वो एक मील के बराबर होता है, एक मील, वन माइल। वन माइल जो होता है आपका 1.6 किलोमीटर लंबाई को कहते हैं। अगर हम लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 मीटर ज़्यादा है, यानी 1.6 किलोमीटर अगर हम चल लेंगे तो हम बोल देंगे हम एक मील दूरी हमने तय कर ली, ठीक है। तो 80 गंटर चैन जो होता है वो एक मील के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें गंटर चैन की लंबाई के स्क्वायर में, गंटर चैन होती है 66 फुट की, तो 66 फुट के स्क्वायर में अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो वो हमारा एक एकड़ के बराबर हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप, एक एकड़ के बराबर। तो 10 इंटू गंटर चैन का स्क्वायर इक्वल टू 1 एकड़ होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही होमवर्क क्वेश्चन ये भी सुन लीजिए, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, ये भी आपको बताना है। हेक्टेयर बता देंगे आप लोग, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, ये भी हेक्टेयर, ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बोलिए, तीन क्वेश्चन बताने हैं आपको ये होमवर्क के लिए। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा चैन के बारे में, कर लेंगे आप इजीली इसको। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, ठीक है।